हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। सो गाइस, हम सब नहा धो के रेडी हो चुके हैं। अब हम जा रहे हैं बाहर। आज सरदार उधम सिंह जी की जयंती है, तो आज हम उनकी प्रतिमा को पुष्प अर्पित करने जा रहे हैं। मेरे साथ जा रहे हैं ग्रेविल, भविका और उसकी मम्मी, जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाने वाले को गोली मारी थी और हमारा बदला लिया था। जय हिंद। सो गाइस, अभी हम जा रहे हैं। ग्रेविल, हाय बोलो बेटा। हाय। तो गाइस, हम घर से निकल लिए हैं। अब हम थोड़े से फूल लेंगे, फूल लेने जा रहे हैं। तो गाइस, हमने फ्लावर ले लिए हैं। अब हम उधम सिंह जी की प्रतिमा पे ये फूल चढ़ाएंगे। ये है इनकी प्रतिमा, जो कि हिसार के गवर्नमेंट कॉलेज ग्राउंड में लगी हुई है। पहले से भी बहुत लोगों ने इनको फूल अर्पित किए हुए हैं। अब हम आए हैं यहाँ पे, इनको ग्रेविल और भविका फूल अर्पित करेंगे। ग्रेविल, आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? भविका, आप क्या करोगे? करोगे आप? जोर से बोलो, क्या करोगे आप? ग्रेविल, आप क्या करोगे? क्या करोगे आप? चलो चलो, चढ़ाते हैं इनको फूल। ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा है। अर्जी दीवाने की जहां बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो जमाना, माटी पे मर मिट जाना। बच्चे पानी पी रहे हैं। फाइनली हमने सरदार उधम सिंह जी को पुष्प अर्पित कर दिए हैं। सो फाइनली गाइस, हम सरदार उधम सिंह जी की प्रतिमा को पुष्प अर्पित करके घर आ चुके हैं। घर आने के बाद हम कहीं बाहर नहीं गए, क्योंकि बाहर उसके बाद बारिश होने लग गई थी, बारिश हो रही है। हमें उनको पुष्प अर्पित करके बहुत ही अच्छा लगा। तो गाइस, अब बहुत रात हो चुकी है, मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय।